गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आपको इंग्लिश में कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी? चैप्टर टू अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो ये सारे बच्चे हैं उनके पास एक कैट थी और उस कैट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। और वो कैट एक बहुत ही अच्छी कैट थी, मतलब बहुत ही, और उसके जो फर थे वो बिल्कुल लाइन जैसे फर थे, शेर जैसे फर थे उसके। ठीक है, तो और वो जो क्या कहते हैं, जो रवि है वो मृदु को बहुत अच्छी अच्छी बातें उस कैट के बारे में बताता है कि इसके पूर्वज कौन हैं, ये कहाँ से मतलब बिलोंग करती है। तो ये सारी बातें रवि किसको बताता है? मृदु को बताता है। तो हमने ये कल पढ़ी थी ना, चलिए आज हम और आगे पढ़ते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। मतलब वो ये मीना कहती है, मतलब मीना देखती है कि जो मृदु है वो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, मतलब उसे बातें अच्छी लग रही हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा कि हमें इसके साथ, मतलब विद एनीथिंग, इसके साथ कुछ के साथ हमें क्या करना है इसके साथ। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, उसने कहा। ओह आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैट क्या है, मतलब जो उसके पूर्वज है वो कहाँ से रिलेट करते हैं, महाबलीपुरम से। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड नो गॉडेस डेस्टेट या दैट्स इट। तो वो बोलता है कि जो उसके पूर्वज है वो कौन है, इजिप्शियन कैट गॉड है, जो मतलब एक तरीके से भगवान है जिनकी पूजा की जाती है। सो इसलिए फिर क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस फोर्सेस टू अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट्स वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्रिक एट महिंद्रा। देखिए क्या है, वेल ठीक है, जो उनके पूर्वज थे वो क्या हुआ था, उसमें से एक जो थे वो पल्लवा शिप्स थी उसमें क्या हो गए थे, छिप गए थे। और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं, महाबलीपुरम ऋषि कैट से। ओके एमपी पुणे हियर ईके ही श्रिक्ट वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो अपनी बातों से बहुत खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, मतलब महेंद्रन ने देखा और वो एकदम से व्याकुल हो गई, परेशान सी हो गई, अलार्म चिल्लाने लगी एकदम से, हम कहते हैं ना परेशान सी हो गई। ही हैड जस्ट बी शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो क्या करने लगी, जो कोकोनट शेल थी उसकी जो सरफेस थी उस पर क्या करने लगी, वो अपने पंजों को नुकीला करने लगी। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल ट्रू ई के वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, मतलब विंडो से क्रीच जैसी आवाज, मतलब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड, इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एमपी पुणे वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, मतलब क्या हुआ कि उसने, मृदु ने पूछा कि ये अजीब सी आवाज़, वियर्ड मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही बाउंस्ड हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वरीट टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, मतलब वो क्या हुई एकदम से बहुत तेज भागी और वो बैम्बू ट्री, रेड चिलीज के जो के बैम्बू ट्री थे उसके पीछे जाके वो छिप गई, जो वहाँ पर सूखने के लिए डाले गए थे, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, मतलब उसने उसे अपने नीचे, मतलब उसके नीचे अपने आप को छिपाने की उसने क्या की, कोशिश की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ मियाउ ही हॉल्स मिसरेबली, मतलब उसने क्या किया, कुछ मिनट्स उसके ऊपर भी गिर गए क्योंकि वो बहुत ऐसी आवाज़ को सुनकर बहुत क्या हो रही थी, बिल बिला रही थी, बहुत परेशान हो रही थी।
क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, मतलब क्या है कि क्रीचिंग की आवाज़ आती ही जा रही थी, आती ही जा रही। व्हाट्स डैट नॉइस, सैड निधु। निधु ने कहा ये कैसी आवाज़ है। डैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने कहा कि जो लाली है वो वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी इस चीज़ को सीखेगी नहीं, सीख ही नहीं पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लालीज ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। मतलब वो बताता है कि रवि बताता है कि वो इस चीज़ को कभी नहीं सीख पाएगी क्योंकि जो म्यूज़िक मास्टर है वो बजाते रहते हैं, मतलब ट्रेन की तरह वो बजाते रहते हैं, लेकिन जो लाली है वो हमेशा पटरी से उतर जाती है, मतलब वो सिखाते हैं वो सीख ही नहीं पाती है। और गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक, और वो हमेशा ट्रैक से बिल्कुल कम्प्लीटली गोइंग ऑफ ट्रैक, वो ट्रैक पर चल ही नहीं पाती, वो जो लय सिखाते हैं वो कर ही नहीं पाती है, वायलिन सीख ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। देखिए अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो, लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। देखिए क्या है, जो मृदु है वो विंडो की तरफ गई और जो लाली थी वो थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी, मतलब वो विंडो से देखने गई कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ से क्या आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। और रवि बताता है कि वहाँ पर जो मृदु जो लाली है वो क्या सीख रही है, वायलिन सीख रही है। तो वो जाती है, लाली कुछ दूरी पर बैठी होती है और ऑकवर्डली, मतलब वो बहुत अजीब तरीके से ऑकवर्ड मैनर में वो अपने वायलिन को पकड़ी हुई होती है, उसकी जो एल्बो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है और जो उसकी आइज़ है, आँखें हैं, वो कंसंट्रेशन के साथ चमक रही हैं, उसके ग्लेज कर रही हैं। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और उसके सामने कौन बैठे हुए हैं, जो हम विंडो से देखें तो उनकी क्या दिख रही थी, ओनली पेट दिख रही थी, तो वहाँ पर म्यूजिक मास्टर बॉनी फिगर, मतलब उनका म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं। ही हैड अ मोस्टली बोल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट। और मतलब वो जो ऑलमोस्ट क्या थे, वो गंजे थे, मोस्टली गंजे थे, बस साइड में से उनके बाल थे और जो साइड से जो उनके हेयर्स थे, उन साइड्स के हेयर में तेल डाला हुआ था और उन्होंने उन मतलब जो साइड्स के हेयर थे ना, उनके कान पर आ रहे थे और बिल्कुल ओल्ड फैशन जैसे थे वो। अ गोल्ड चैन ग्लिंट अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और क्या था, उनके गले में एक गोल्ड चैन थी, जो उनके गले में क्या कर रही थी, चमक रही थी, और एक डायमंड रिंग थी जो उनके हाथ में चमक रही थी। क्या हो रहा था, जब वो वायलिन बजा रहे थे तो वो वायलिन में हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे, तो जो उनकी डायमंड रिंग थी वो भी स्मूथली ऊपर नीचे हो रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड फिस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद हिज क्राउनी बिग टो। और क्या था, मतलब उन्होंने धोती पहनी हुई थी, पेश्ती होती है धोती, तमिल में हम धोती कहते हैं, और उन्होंने धोती पहनी हुई थी। और क्या हो रहा था कि वो अपने जो उनके स्क्राउनी बिग टो था ना, उनका बड़ा वाला जो थिन बड़ा वाला टो जो था, उनकी पैर की उंगलियां थी, और वो क्या कर रहे थे, अपना पैर थपथपा रहे थे, जैसे हम सॉन्ग बजाते हैं तो थपथपाते हैं पैर, उसी तरीके से। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, मतलब जो लाली थी उसको वायलिन सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था
और वो उसको मतलब क्या कहते हैं, वो अच्छे से बजा रहे थे, जो उसके म्यूज़िक मास्टर थे वो अच्छे से सिखा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अच्छे से नहीं सीख रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, वो बेसहारा सी बेचारी सी लग रही थी। और आगे देखते हैं, देखिए आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, पीछे सारे बच्चे खड़े हुए हैं और ये म्यूज़िक मास्टर बैठे हुए हैं। और म्यूज़िक मास्टर आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके बहुत स्क्राउनी टोज हैं, और उनके हाथ में एक रिंग भी है और उनके गले में एक चेन भी है, और उनके जो हेयर्स हैं वो मोस्टली वो कैसे हैं, पोल्ड हैं, मतलब वो कंचे हैं, और साइड साइड से उनके हेयर्स हैं और जो उनके कान पर आ रहे हैं। और ये जो सामने बैठी है, ये कौन बैठी हुई है, लाली, जो क्या बजा रही है, वायलिन। और उनका जो स्वर है, जो म्यूज़िक मास्टर का स्वर है, तो जो म्यूज़िक मास्टर का स्वर है वो बहुत ही अच्छा है। वो एक लय में वायलिन बजा रहे हैं और जो लाली है वो लय में वायलिन नहीं बजा रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। और हमने पता कि जो लाली है वो कैसी हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, मतलब वो वायलिन अपने हाथ में लेकर उसको लेकर ना खुश है। वॉट अ डिफरेंस, अब उन दोनों में क्या डिफरेंस है, किन दोनों में, लाली और म्यूज़िक मास्टर में। द म्यूज़िक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो म्यूज़िक मास्टर है उनके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल एक सेटल हैं परफेक्टली, बिल्कुल उनकी जो वायलिन जो वो बजा रहे हैं वो बहुत ही प्यारी आवाज़ में, और उसमें से एक बहुत ही अच्छी लय निकल रही है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स, ये ऐसे लग रहा है जैसे जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, तो जो वो बिल्कुल रेल पर क्या है, स्मूथली फिट हैं, जैसे धीमे धीमे जो ट्रेन चलती है बिल्कुल स्मूथली चलती है। एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टैम मेकिंग लवली म्यूजिक। तो जो मृदु है वो देखती है एक बड़ी सी और बिरिंग्ड हैंड, मतलब मास्टर जो म्यूज़िक मास्टर है, मतलब वो उस चीज़ को घूरती है कि जो म्यूज़िक मास्टर है उन्होंने अपने हाथ में रिंग पहन रखी है और वो वायलिन को एफर्टलेसली बिना रुके और एक बहुत ही लवली म्यूज़िक वो क्रिएट कर रहे हैं। स्क्वैक देयर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन, और वो म्यूज़िक मास्टर इतने अच्छे से म्यूज़िक बजा रहे हैं और जो लाली है वो हमेशा पटरी से उतर जाती है, मतलब वो अच्छे से वायलिन नहीं बजा पाती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह, तो गेट से क्या आती है, एक आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा। ठीक है, तो बच्चों अब इसके आगे की स्टोरी हम, आखिर आवाज़ वो क्यों आई, क्या हुआ, इसके आगे की स्टोरी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको जितनी स्टोरी पढ़ाई है, समझाई है, उतनी स्टोरी आप अच्छे से दोबारा बुक से रीड करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।